नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे टेक्निकल अप्लाई से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपके घर में गीज़र लगा है तो आपको कई बार आपके मन में सवाल आता होगा कि अगर हम गीज़र को ऑन करके भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं, कभी ध्यान में नहीं रहता, तो गीज़र को कोई नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे कि मन ख्याल आता अगर ये फट ना जाए, गर्म होकर इतना गर्म हो जाएगा ये फट जाएगा, कई बार हमारे मन में ऐसा डाउट आता है। तो ये डाउट मैं आपका इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक गीज़र लगा है। इसमें दोस्तों एक सेफ्टी के लिए थर्मोस्टेट लगी होती है, ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरे हाथ में एक थर्मोस्टेट है। इस पर आप देख सकते हैं इस पर एक नंबरिंग लगी हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों ये 5 से लेके 75 तक, इसमें 75 तक इसमें लिखा हुआ है नंबरिंग। इसका दोस्तों जो मीनिंग होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जैसे इसमें सेलेक्ट किया हुआ है 75 पर सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों जब भी पानी का टेम्परेचर 75, जैसे कि नॉर्मली जो गीज़र होते हैं, जो नए गीज़र होते हैं, उसमें 65 तक उन्होंने सेट किया होता है। जब 65 तक पानी का टेम्परेचर पहुंच जाता है तो ऑटोमेटिकली जो थर्मोस्टेट है ये गीज़र को कट कर देती है। कट का मतलब जिसमें जो बिजली इसके अंदर जा रही है, जो बिजली ये कंजप्शन कर रहा है, वो बिजली जानी इसके अंदर बंद हो जाएगी और गीज़र हमारा बंद हो जाएगा। अगर आप इसका स्विच कभी भूल जाते हो बंद करना, तो ऑटोमेटिकली इसका स्विच है वो ऑफ हो जाएगा। तो ये इसके लिए सेफ्टी डिवाइस है और इसका थर्मोस्टेट है, जिसे पानी का जो टेम्परेचर है वो सेट रहता है और गीज़र को कोई नुकसान नहीं होता। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं कमेंट में, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जो इस कन्फ्यूजन में है उनकी ये कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो वीडियो देखने का बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। Thanks for watching.